इंसानी जरूरतों को पूरा करने के लिए लगातार जंगल काटे जा रहे हैं। जिन जंगलों में कभी जानवरों का राज हुआ करता था, वहां अब इंसान कब्जा जमाने लगे हैं, जिसके चलते जानवरों के रहने के लिए जंगल छोटा पड़ने लगा है। ऐसे में जानवरों के पास इंसानी इलाकों की तरफ रुख करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। यही वजह है कि आए दिन शहरों में कभी चीता घुसाता है, तो कभी हाथी, तो कभी कोई और जंगली जानवर। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ वीडियो क्लिप्स दिखाने जा रहे हैं, जिनमें जंगली जानवर रिहायशी इलाकों में घुस आते हैं और इंसानों का उनसे होता है एनकाउंटर। तो आइए बिना डरे शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये वीडियो शुरू करने से पहले हमारे नए व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नींद से जगने के बाद ये शख्स किचन में चाय बनाने के लिए केतली की तरफ बढ़ता है, तभी उसकी नजर किचन की खिड़की के बाहर घूमते हुए बफर शेर पर जा पड़ती है, जो उसे देखते ही दहाड़ मारते हुए उसकी तरफ लपकता है। जंगल के राजा को इतने करीब से एनकाउंटर होने पर किसी का भी डरना लाजमी है, लेकिन अपने घर में महफूज ये शख्स बेखौफ होकर उसका वीडियो बनाने लगता है। बब्बर शेर के खौफनाक अंदाज को देखकर लग रहा था मानो वो शख्स को कच्चा ही चबा जाना चाहता है, लेकिन लोहे की मजबूत खिड़की के चलते शेर की ये डिजायर हकीकत में पूरी नहीं हो सकी। जरा सोच कर देखिए कि ये खिड़की ही नहीं होती तो इस चाय के जायके का लुफ्त कौन ले पाता। लेकिन यहाँ तो एक टाइगर और उसका बच्चा वाकई किचन में घुस आए हैं और अपनी भूख मिटाने के साधन की तलाश में जुटे हैं। हमें तो इन्हें देखकर ही डर लग रहा है, लेकिन इस मकान मालिक की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, जिसने बिना डरे इस टाइगर का वीडियो बना डाला। यहाँ हल जोत रहे किसान के खेत में अचानक से टाइगर आ जाता है, लेकिन मजे की बात यह है कि उसे इस बात का पता भी नहीं चलता। इधर चीता आराम से खेत की सैर कर रहा है और उधर किसान अपना काम। वो तो गनीमत रही कि टाइगर को भूख नहीं लगी थी, नहीं तो घात लगाने में माहिर बाघ कुछ भी कर सकता था। इटली के लाडिस्पोली शहर में एक शेर सर्कस से भाग गया, जिसके बाद पूरे शहर को रेड अलर्ट पर रखा गया। गलियों में शेर के घूमने की बात सुनकर ही लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। आखिरकार कई घंटों की मशक्कत के बाद शेर को बेहोश करके पकड़ लिया गया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। इस दुकान पर खड़े ये लोग अचानक इतने डर क्यों रहे हैं? इसके पीछे की वजह गुस्से से दुकान की तरफ बढ़ता हुआ ये जंगली हाथी है, जिसके सिर पर गुस्सा इस कदर सवार था कि वो दुकान पर खड़े लोगों को मारने दौड़ा। लेकिन गनीमत रही कि किसी को कोई चोट नहीं लगी। नाराज हाथी वहां खड़ी स्कूटी और साइकिल पर गुस्सा निकालकर वहां से चला गया। रोंगटे खड़े कर देने वाला ये वीडियो मुंबई के सटे थाने जिले का है, जिसमें एक अपार्टमेंट की खिड़की पर यह मोटा तगड़ा अजगर लटका हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी लंबाई कम से कम 10 फुट तक लग रही है। इस विशालकाय अजगर को इतनी ऊंची खिड़की पर लटका देख लोग हैरान रह गए। हर कोई शॉक था कि आखिर ये इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंच गया। खैर, जैसे तैसे रेस्क्यू टीम ने इसका रेस्क्यू करके वापस जंगल में छोड़ दिया। अमेरिका के जंगल से निकलकर एक भूखा जंगली भालू पास ही के शहर की एक दुकान में जा घुसा। कुछ देर मौका मुआयना करने के बाद भी जब भालू को कुछ समझ नहीं आया तो एक चॉकलेट मुंह में दबाकर बाहर निकल गया। फिर जब ये जंगली भालू सड़क पर आया तो इसे देख लोग बुरी तरह सहम गए, जिसके बाद पुलिस की टीम को बुलाया गया। अब भालू सड़क पर आगे आगे दौड़ रहा है और पुलिस की गाड़ी पीछे पीछे सायरन बजाते हुए चल रही है। अंत में भालू बिना किसी को नुकसान पहुंचाए वापस जंगल में चला गया। नेपाल में ये राइनो जंगल से निकलकर शहर की गलियों में आ गया और मस्ती से टहलने लगा। अपने बीच राइनो को पाकर लोग इसके साथ सेल्फी लेने लगे। लेकिन असम के हाईवे पर दौड़ता ये राइनो शांत नहीं बल्कि गुस्से में नजर आया। ये हर उस गाड़ी के पीछे भाग रहा था जो उसके सामने से गुजर रही हो। इस दौरान गैंडे के पीछे चल रही इस गाड़ी के ड्राइवर ने इस गुस्साए गैंडे की वीडियो बनानी शुरू कर दी। काफी दूर तक भागने के बाद आखिरकार गैंडा स्वामी का गुस्सा शांत हुआ, जिसके बाद ये खेतों से होता हुआ जंगल में चला गया। ये वीडियो वेस्ट वर्जीनिया के समर्सविले की निकोलस काउंटी स्कूल का है, जहां ये स्कूल प्रिंसिपल जैसे ही डस्टबिन का लॉक खोलता है वैसे ही उसमें से एक ब्लैक बियर बाहर निकलता है। ये देख प्रिंसिपल सर घबराकर 9-2-11 हो जाते हैं। इतना ही नहीं, भालू को देखकर ये सेल्फिश मैम भी फौरन दरवाजा बंद कर लेती है। इन्हें अपनी फिक्र है, प्रिंसिपल सर के लिए दरवाजा तो खुला छोड़ती। खैर, प्रिंसिपल सर को ये एनकाउंटर बहुत कुछ सिखा गया होगा।
दोस्तों, इस वीडियो को लेकर हमारा टारगेट है कि इसे कम से कम 2000 लाइक्स तो जरूर मिलें। अगर हम लोग मिलकर इस टारगेट को अचीव कर लेते हैं तो हम आपके लिए लाएंगे इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस। तो अभी इसी बात पर ठोक दीजिए अपना लाइक। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में तब लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई जब उन्होंने बारिश के पानी में एक विशालकाय मगरमच्छ को गलियों में तैरता देखा। ओहो भाई, ये तो कुछ हल्की होते हैं। अरे यार, यार ये मंजर घरों की छतों पर खड़े लोग देखकर हक्के बक्के रह गए। इसके बाद फौरन माधव नेशनल पार्क से रेस्क्यू टीम को बुलाया गया। टीम ने जैसे तैसे इस खूंखार मगरमच्छ को काबू में किया और इसे वापस नदी में छोड़ दिया। जरा सोचिए, अपने घर के सीलिंग फैन पर फन फैलाए बैठे इस सांप को देखकर मकान मालिक पर क्या बीत रही होगी। ये खतरनाक सांप पंखे के ऊपर बने टीन शेड में छिपने की फिराक में था, लेकिन सांप के भार के कारण पंखा हिलने लगा और मकान मालिक की नजर इस पर पड़ गई, जिसके बाद इसका रेस्क्यू कर लिया गया। तमिलनाडु के नीलगिरी में कन्नूर में एक घर में तेंदुआ घुस गया और उसी में कैद हो गया। इसके बाद घर वालों ने प्रशासन को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद इस फील्ड के डायरेक्टर मुदुमलाई और स्थानीय वन टीम ने उसे सावधानी से वहां से निकालकर वापस जंगल में छोड़ा। दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद हो सकता है कि आप डर के मारे मोबाइल फोन ही फेंक दें। आप देख सकते हैं कि इस पाइप के अंदर एक खतरनाक और जहरीला कोबरा सांप घुसा हुआ है। इसे जब रेस्क्यू करने की कोशिशें की जाने लगी तो गुस्सा होकर रेस्क्यू टीम की तरफ ही फन मारने लगता है और हमला भी कर देता है। बेचारे ये सांप अब जाए ही कहां? न इनके बिल वाले आशियाने बचे हैं और न ही जंगल। वैसे सांप को नजदीक पाकर किसी को भागने की भी जगह न मिले तो उसकी क्या ही हालत होगी, ये समझने के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। यहाँ ये बंदा पेड़ पर चढ़ा तो कटहल तोड़ने के लिए था, लेकिन उसका सामना इस सांप से हो गया। पेड़ की टहनी पर ये जहरीला सांप उसके पैरों से लिपट गया, जिसके बाद भैया जी की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। अब जानवरों के घरों पर कब्जा करोगे तो कुछ ऐसा ही हाल होगा ना। दोस्तों, ये वीडियोस बनाने में हमें कई दिनों की मेहनत लगती है, तब जाकर ये वीडियो तैयार हो पाता है। इसलिए इन वीडियोस को देखकर हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और अगर आप हमारे वीडियोस दिल से पसंद करते हैं तो हमें सुपर थैंक्स देकर सपोर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ ये शख्स बहुत तेजी से भागते हुए दिख रहा है। वजह है इसके पीछे पड़ा ये तेंदुआ, जो हवा में छलांग लगाते हुए उसे झपटने की कोशिश करता दिखता है। बाप रे बाप, कितने खतरनाक होते हैं ये जंगली जानवर। इसी तरह मुंबई के गोरेगांव में जंगली इलाके में बने इस घर के बरामदे में ये बुजुर्ग महिला बैठती नजर आ रही हैं। ये महिला इस बात से ना मालूम थी कि वहाँ एक खूंखार तेंदुआ उन पर घात लगाए बैठा था। अब जैसे ही महिला बैठकर थोड़ा रिलैक्स करती है, वैसे ही तेंदुआ उन पर अटैक बोल देता है। लेकिन इस बुजुर्ग महिला की हिम्मत का जवाब नहीं, जो उस तेंदुए पर छड़ी से दना दन पलटवार करने लगती है। इसके बाद तेंदुआ वहां से भाग खड़ा होता है और शोर सुनकर घर वाले बाहर आ जाते हैं। यहां तो घर के बैकयार्ड की जमीन से ही मगरमच्छ निकलने लगे, जिसके बाद बचाव कर्मियों ने जैसे तैसे इनको वहां से बाहर निकालने की जुगत लगाई। लेकिन ये क्या, यहाँ तो एक के बाद एक मगरमच्छ निकलते ही जा रहे हैं। ये खौफनाक मंजर हर किसी को परेशान करने वाला था। ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया और न्यू गिनी को छोड़कर कंगारू दुनिया में कहीं और नहीं पाए जाते, लेकिन इस वीडियो को देखकर हर कोई हैरान है। दरअसल पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले की सड़कों पर कुछ लोगों ने कंगारुओं को रात में सड़कों पर घूमते देखा। सोचने की बात यह है कि आखिर ये कंगारू अपनी प्राकृतिक आवास से हजारों मील दूर इंसानी रिहायश में कैसे आ गए। केरल में सड़क किनारे एक दुकान के पास घूमते सांबर हिरण का वीडियो जंगल की आग की तरह फैल गया। यह बड़ी सींगों वाला विशाल सांबर हिरण केरल में सड़क किनारे खाने की दुकान के आसपास घूमता हुआ एक मिठाई की दुकान पर पहुंच जाता है, जिसे देख दुकान के मालिक ने हिरण को खाने को कुछ दिया, फिर बिना किसी को नुकसान पहुंचाए वो चुपचाप वहां से चला गया। इसी तरह हिरणों का यह झुंड जंगल से निकलकर इंसानी इलाके में आ गया है। आमतौर पर जंगली जानवरों का जब भी इंसानों से सामना होता है तो ये बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन बारिश के चलते यहाँ हिरण और इंसान एक साथ नजर आ रहे हैं।
ना हिरण भागने की कोशिश कर रहे हैं और ना ही इंसान इनको तंग कर रहे हैं। ग्रैंड काउंटी निवासी सारा जब घर आई तो क्या देखती है कि उसका पालतू कुत्ता कांच के दरवाजे के दूसरी तरफ खड़े किसी जानवर के साथ खेल रहा है। उसने गौर से देखा तो पता चला कि वो जानवर पहाड़ी शेर था जो बार बार कांच पर पंजा मार रहा है। ये देखकर सारा के होश ही फाकता हो गए। गनीमत रही कि थोड़ी देर बाद शेर अपने आप जंगल की तरफ चला गया। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कुछ लोग टॉवर पर चढ़े हुए हैं और नीचे हाथियों का काफिला उस टॉवर के चारों तरफ फैला हुआ है। दरअसल तेजी से कटते जंगलों के चलते अब इंसानी बस्तियां जंगलों के मुहाने तक पहुंच गई है। ऐसे में कई बार जंगली जानवर इंसानी बस्तियों में पहुंच जाते हैं। यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ है। अब इतने सारे जंगली हाथियों को देख इन किसानों की तो हालत ही खस्ता हो गई और डर कर इस टॉवर पर चढ़ गए। वैसे ऐसे हालातों के लिए हम इंसान ही जिम्मेदार हैं जिन्होंने जंगल काट कर इन जानवरों को बेघर कर दिया। ऐसे में जानवर जाए तो कहां जाए। इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।